नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 12th of July है और फ्राइडे का दिन है और आज हम बात करेंगे आपकी राशियों की। हमेशा की तरह जानेंगे आज का दिन कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी है क्योंकि आज देवशयनी एकादशी है। तो देवशयनी एकादशी का पर्व जो है वो इसलिए खास माना जाता है क्योंकि आज के दिन से 4 महीने तक के लिए मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। आज देवशयनी एकादशी से लेकर के देवउठनी एकादशी तक कोई भी शुभ संस्कार नहीं किया जाएगा। शादी है, कोई भी ऐसा शुभ संस्कार जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं क्योंकि इस समय पर, क्योंकि एकादशी तिथि तो हर महीने में खास होती ही है, लेकिन देवशयनी एकादशी जो है इस पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं क्षीर सागर में, और इन 4 महीनों के अंदर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के दिन में भी कहीं ना कहीं पर खास उपाय किए जाते हैं। आज के दिन में क्योंकि फ्राइडे का दिन भी है तो माँ लक्ष्मी की पूजा भी होगी और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा होगी। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है आज वो माँ लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प जरूर अर्पित करेंगे। साथ ही में भगवान विष्णु को पंचमेवे की मखाने की खीर का भोग लगाएंगे। देखिए, एकादशी तिथि पर चावल खाना तो वर्जित है, तो खीर में आप चावल नहीं डालेंगे बल्कि पंचमेवे और मखाने डालेंगे। इसके अलावा बात करें हम, क्योंकि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति और खासतौर पर रिलेशनशिप पार्ट जो बेहतर नहीं चलता है, तो आज इस मंत्र से दोनों माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र में माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में संबोधित किया जा रहा है और ये मंत्र में से पूजा करने से कहीं ना कहीं पे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, साथ ही में आपके रिलेशनशिप्स भी बेहतर होते हैं। आज के दिन में आप कोई भी ऐसा चित्र जिसमें कि माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के चरण दबा रहे हों और भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हों, ऐसा चित्र आप घर पर लेकर के ज़रूर आएँ। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है। चलिए, इसी के साथ अब करते हैं आपकी राशियों की शुरुआत और बात करते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। एरीज कार्ड्स निकल रहे हैं, किंग ऑफ वांड्स एंड द एम्परर। तो आज के दिन में प्रयास आपके सफल होंगे, मान सम्मान आपको हर जगह से मिलेगा, साथ ही में धन लाभ के योग भी नजर आ रहे हैं। संतान की चिंताएं लेकिन थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुबह के समय में करना अच्छा रहेगा। टॉरेंस यानी कि वृषभ राशि, टेन ऑफ पेंटाकल्स एंड द सन कार्ड निकल रहा है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आज आपको ज़रूर मिलेगी। आत्मसम्मान तो बनेगा ही, आत्मविश्वास भी बना रहेगा, कहीं ना कहीं पे दौड़ धूप लेकिन लगी रहेगी, यानी कि काम का प्रेशर, काम का बर्डन आपके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। आज लक्ष्मी जी को कमल के पुष्प अर्पित करना अच्छा है आपके। जेमिनाइज मिथुन राशि, नाइन ऑफ वॉन्स एंड द लवर्स कार्ड निकल रहा है। तो शत्रु भय आज के दिन में रह सकता है, इसलिए विवाद नहीं करना है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य में आप लोगों की रुचि बढ़ेगी और खासतौर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना आउटडोर्स में बिताएंगे, आपके काम ज़रूर बन जाएंगे। घर के ईशान कोण में दीपक जलाना गाय के घी का अच्छा रहेगा, घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। कर्क राशि, टू ऑफ पेंटाकल्स एंड एस ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है, विच इज़ रिवर्स कार्ड। तो अपनी जो कीमती वस्तुएं हैं उसे संभाल करके रखें, कोई ना कोई चोरी आदि का खतरा हो सकता है। कुसंगति से आज के दिन में बच करके चलें, फालतू खर्चा अवॉइड करेंगे, घर के रेनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं, कुछ ना कुछ नई प्लानिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार में आप लोगों के लिए बढ़ोतरी होगी। संध्या काल के समय तुलसी में दीपक जलाना अच्छा रहेगा। तुलसी सुबह के समय में अगर आप भगवान विष्णु को या लड्डू गोपाल जी को अर्पित करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। सिंह राशि, द डेवल एंड द मून कार्ड निकल रहा है। लियोस के लिए वाणी पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। नौकरी में हालांकि तरक्की के योग हैं, कानूनी मामले जो हैं उसमें सतर्क रहना है, आप लोगों को वाद विवाद नहीं करना है। घर के ईशान कोण में लैवेंडर एसेंस का प्रयोग करें, आपके विरोधी परास्त होंगे। कन्या राशि, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ सोल्स कार्ड निकल रहा है। आज यात्रा हो, नौकरी हो या निवेश हो, दोनों ही तीनों ही चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। आप लोगों ने अगर किसी को पैसा दिया हुआ था, कर्जा दिया हो तो वो आपको वापस मिल सकता है। कानूनी अड़चन नहीं लेकिन आ सकती हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। आज के दिन में माँ को सफ़ेद रंग का मिष्ठान का भोग जरूर लगाएंगे। तुला राशि, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड निकल रहा है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य में आप लोगों की रुचि बढ़ेगी, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है, दूसरों के काम में इंटरफेयर भी नहीं करना है। जीवन साथी का हालांकि सहयोग आप लोगों को ज़रूर मिलेगा और जितना आप उम्मीद कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा। आज किसी भी मंदिर में चूरमा बना करके वो ज़रूर आप लोग भोग लगाइए, उसके बाद जितने भी लोग आपको बाहर मिलते हैं उनमें डोनेट कर दीजिए। वृश्चिक स्कॉर्पियोज, द चैरियट एंड द मजिशियन कार्ड निकल रहा है। लेन देन में सावधानी बरतेंगे आज वृश्चिक राशि वाले लोग। नई योजनाएं हालांकि बन सकती हैं, आपकी कार्य प्रणाली में सुधार होगा, आपके काम करने का तरीके में बदलाव होगा और नए काम आज बन सकते हैं और रुके हुए काम भी पूरे होंगे, दैट मीन्स डिलेज आज के दिन में खत्म होंगे। उपाय क्या करना है, वृश्चिक राशि वालों को इलायची का दान करना है किसी भी मंदिर में जाकर।
धनु राशि नाइन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है, रोजगार में प्रगति हो रही है आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स के लिए दिन काफ़ी अच्छा है और अगर यात्रा प्लान कर रहे हैं, ट्रैवलिंग्स प्लान कर रहे हैं तो वो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। कोई भी फेवरेबल आउटकम्स आ सकते हैं। गोल्डन कलर का इस्तेमाल करना आज आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके नए काम में सक्सेस दिलाएगा आपको। मकर राशि काज निकल रहे हैं फोर ऑफ वॉन्स एंड थ्री ऑफ सॉट्स, तो आज आप लोगों के लिए धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिज्म से आप लोग जुड़ेंगे, कोर्ट कचहरी के कामों में भी अनुकूलता आती हुई नजर आ रही है अपनी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे थोड़ा संभाल करके रखें, खासतौर पर ट्रैवलिंग करते समय पुराना कोई रोग उभर सकता है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। खासतौर पर शिव चालीसा का पाठ करना आज के दिन में आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आपके स्ट्रेस को खत्म करेगा। कुंभ राशि फाइव ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है, आज के दिन में किसी भी तरह के चोट से थोड़ा संभल करके चलना है। ड्राइविंग कर रहे हैं थोड़ा केयरफुल रहिए, किसी भी मशीन आदि का प्रयोग कर रहे हैं थोड़ा केयरफुल रहेगा। वाद विवाद से भी हानि हो सकती है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जल्दबाजी से बच करके चलें, थोड़ा सा पेशेंस पे अगर चीज़ों को डील आउट करेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि काम का प्रेशर रहेगा, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन आज ज़रूरी खर्चों पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर ही आप लोग खर्चा करें। हालांकि पार्टनरशिप्स में बिजनेस आप लोगों को फायदा जरूर देंगे, इसके अलावा आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आज माँ लक्ष्मी का आवाहन कीजिएगा और माँ लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प या फिर लाल रंग का कोई भी कपड़ा या कोई भी साड़ी जो है आज जरूर आप लोग अर्पित कीजिएगा। मीन राशि टू ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सॉट्स कार्ड निकल रहा है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, कानूनी क्षेत्र की तरफ से जो अड़चने आ रही थी वो आज खत्म हो सकती हैं, प्रसन्नता रहेगी पूरे ही दिन भर में, लेकिन शारीरिक कष्ट संभव है, कहीं ना कहीं पर पेन वगैरह बॉडी में रह सकता है। आज गणपति जी को मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएंगे, साथ ही में कोशिश करेंगे आज माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करेंगे, उन्हें गेंदे के पुष्पों की माला जरूर अर्पित करेंगे। ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं खत्म होंगी। और इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ। और अगर एस्ट्रो तक को अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ। और अगर अभी तक भी एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो जल्दी YouTube पर जाइए और एस्ट्रो तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।